नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम मोदी, करके आई हूं मेकअप की लीपा पोती और जिसके हुस्न के सामने नहीं टिक पाता कोई विरोधी। आप देख रहे हैं हल्लू बोल पल्लू खोल और आज की अहम खबर आ रही है सीधा हरिद्वार से। बाबा ने खोज निकाला है कोरोना का उपचार, मरने से नहीं होता कोरोना। जी नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो आइए पहले शुरू करते हैं हम बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया से। ये वीडियो देखकर थोड़ा सा भरोसा बनता है हमारे देश के यूथ पर, जो इनके हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा में बिना फंसे असली मुद्दों के प्रश्न कर रहे हैं। देखें इस क्लिप में कैसे मुंह बंद करवा कर रख दिया गौरव भाटिया का, जब डिबेट के दौरान लोगों ने उनको महंगाई नौकरी जैसे मुद्दों के साथ घेर लिया। सुनिए मत, पता किससे लड़ रहा है? जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोल रहे। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। हाँ बैठिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कांग्रेस को बोल रहे हो कि वो बंगले में रहते हैं, तो आप भी तो बंगले में रहते हो, तो आपके लिए क्या, आपके लिए तो वही दाल वही पेट्रोल वही मर, तो मिडिल क्लास रहा है, लोअर क्लास रहा है ना, तो लोअर क्लास का क्या होगा? चलो मिडिल ये फंस गया। पूछे सर, मेरा सवाल आपसे, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बीजेपी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, दंगे बढ़ रहे हैं, तो आम जनता आपसे पूछना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। 19 में इन्होंने अच्छे दिन वैसे बोला नहीं था ये। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो जो डेली वेजेस वर्कर हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए और उनका रोजगार चला गया, तो आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। एक साथ सबके जवाब लेंगे, 4-5 सवाल। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, सर आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे और कब कंट्रोल करेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। उत्तर दे। सर आप दोनों कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, तब से आप ये बताइए कि कब पेट्रोल और डीजल का दाम कब होगा, और इसकी इसी के कारण सब सब्जी और फलों का दाम बढ़ रहा है, हम खाएंगे क्या अगर कम नहीं होगा? ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा अगर आपका मन में जो सवाल सोचा है कोई पूछ चुका है तो फिर मत आइए, है ना? सर मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, सर आपको नहीं लगता ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? अब जो आप है कांग्रेस पे भांडा फोड़ रहे हैं या विपक्षों पे भांडा फोड़ रहे हैं, क्योंकि सही पकड़े हैं। बात सिर्फ तेल की नहीं है सर, बात और भी चीजों की है, बात दालों की है, खाने पीने की भी है। ठीक, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हाँ ये वाला सवाल अच्छा है, अब यहीं से शुरुआत। उत्तर दे, बैठ जाइए। देखिए मजा आया, और शायद अब थोड़ा थोड़ा हमारी अंजना दीदी यू टर्न मार रही हैं। पता नहीं क्या इनकी पेमेंट कम कर दी गई है जो इनका जमीर जागने लगा है। देखें इस क्लिप में कैसे अंजना ओम कश्यप ने भिगो भिगो कर धोया बीजेपी प्रवक्ता को। यहाँ पर मौजूद यहाँ पर युवा भी हैं जो सवाल करेंगे, लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब एक बात तो आपने प्रचार के वक्त बताया ही नहीं था कि आप लोग क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। सेंचुरी आपने पेट्रोल की मरवा दी है, कुकिंग ऑयल की डबल सेंचुरी बन गई है। आपकी गाड़ी में कौन से पंख लगे हुए हैं? अभी गाड़ी से ही आए होंगे सर। आप लोगों की कीमतें नहीं चुकती हैं, कौन से डाइट प्लान पर हैं कि खाना की जो कीमतें बढ़ी हैं वो आपको नहीं चुकती हैं? आपके तमाम नेताओं को साफ सूंघ गया है महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ हिंदुस्तान में बढ़े हैं ऐसा नहीं, पेट्रोल के दाम जो 58% से 78% दाम बढ़े हैं। चुनाव के बाद कितनी कीमत बढ़ी है पेट्रोल की? सुन लीजिए मेरी बात सर, प्लीज सर। तो चुनाव आप धूल झोंक रहे हैं ना, इतना धूल लेकर आए ऐसे आंखों में उड़ा रहे हैं। अरे भाई आप मुझे बताइए सर, चुनाव के बाद पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ी? चुनाव के बाद कोविड आया है। अंजना जी हर महीने चुनाव करा दीजिए सर देश में, फिर क्या चमत्कार करते हैं भारतीय जनता पार्टी? चुनाव के पहले कैसे घटता है वो चमत्कार बता दीजिए, हम लोग फिर दिल पर। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है और पूरे साल लड़ती है, जब इलेक्शन होती है तो कोई हर दिन उसका ध्यान नहीं रखते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ा या घटा। ये 10 रुपए तो यूपी और जो 4 राज्यों के 5 राज्यों के नतीजे हुए उसके बाद से आपने बढ़ाए, तो अब इसका क्या उपाय है? फिर जब अगला चुनाव आएगा तो थोड़ा सा घटाइएगा जी जो बढ़ा रहे हैं अभी। सर ये मेरा सवाल है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, ठीक है, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, आप स्ट्रेटेजी बता दीजिए बस कि कब कम हो रही है महंगाई? चुनाव होंगे जब कम करेंगे, अभी 8-10 महीने बाद। क्या स्ट्रेटेजी है तो सबको पता है। आइए अगले क्लिप में हम देखेंगे अंजना दीदी के चैनल के डिबेट में शिवसेना के प्रवक्ता ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के पसीने छुटवा दिए।
देखें इस क्लिप को और थोड़ा सुकून पाएं। केंद्र में इनकी सत्ता है, हाँ? सत्ता का इनको अहंकार है, हाँ? उसके चक्कर में पड़ के ये इतने मतलब ये हो गए हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी देश में सरकार है कि नहीं। कंज्यूम दिया। अगर इनकी देश में सरकार है, जैसे एनआरसी का कानून लाते हैं, अगर ध्वनि प्रदूषण पे भोंगों के ऊपर कोई कानून लाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हर जगह जाए, अध्यादेश लाए, तो सब लोग मानेंगे। अरे कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है अंजना जी, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कौन उसको नहीं मान रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ। ये नहीं लागू कर रहे हैं, राज्यों में नहीं लागू कर रहा है, कौन लागू नहीं कर रहा है? महाराष्ट्र सरकार नहीं लागू कर रही है। अच्छा, सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, वल्से पाटिल जी ने ऑलरेडी आदेश दे दिए हैं कि जा जा जो डिसमिल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए उसकी जांच की जाए। आ? अब इससे ज्यादा क्या चाहती है? गाड़ी गाड़ी ये कब किया है उन्होंने? ये उन्होंने अभी आप ही के शो पर आदरणीय संजय राउत साहब जब आपने सवाल पूछा था तो संजय राउत जी का कहना है कि लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का आपको पता है फैसला कब का आया हुआ है सर? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बहुत पहले से आया हुआ है। यही तो बीजेपी भी कर्नाटक में चमका रही है, यही तो बीजेपी भी कर्नाटक में चमका रही है। फैसले पुराने ही कोर्ट के, जब जब चुनाव आता है ना तो ये टाइमिंग पर इस समय चमकाते हैं। और अंजना जी सबसे महत्वपूर्ण, सुनिए मेरी बात, सुनिए दुबे जी मेरी बात तो सुनिए, दुबे जी मेरी बात तो सुनिए, अगर महाराष्ट्र में एनफोर्स रहता तो राज ठाकरे को ये बी टीम सी टीम बनने का मौका नहीं मिलता ना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं, आप अपनी ही बात को काट रहे हैं। वो क्यों बी टीम बन के, पिछले सप्ताह में उन्होंने कहा ना कि मैं जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा मस्जिदों के सामने, अगर आप इन्फोर्स करेंगे चाहिए तो मौका क्यों मिले, लॉ क्यों ना इन्फोर्स। जहाँ जहाँ अंजना जी, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और भी जगह है, क्या वहाँ पर ये भोंगे का इशू नहीं है? यह इशू कहाँ है जहाँ चुनाव आने वाले हैं? मुंबई महानगर पालिका का चुनाव 2-3 महीने बाद होने वाला है, तो अब उसके लिए बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है, तो किसके कहे है? तो खुद नहीं कह पा रही है। छोटा छोटा कमेंट सबसे लेते, वक्त खत्म हो रहा है, रहमानी साहब छोटा छोटा कमेंट जल्दी। मैं बहुत ही मुख्तसर ये कहूंगा कि ये जो सुधांशु जी ने तो साफ कह दिया कि उनको आवाज में नॉइस पॉल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम है, अजान की कंटेंट की वजह से प्रॉब्लम है, उनको नमाज से भी प्रॉब्लम है, उन्होंने ये सवाल गौरव को दोनों चीज से प्रॉब्लम है, क्या उनको नमाज से प्रॉब्लम नहीं है? मतलब ए एंड बी बोथ, इनको एज एज सच इनको इस्लाम, ऑल ऑफ दी अबव, मुसलमान से प्रॉब्लम है, इनको इससे इनको इनको प्रॉब्लम, और करिए वही रहे जो कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस के नक्शे कदम पे 100% चल रहे हैं, दिखता है कि वो कभी मुसलमान का झुंझुना बजाते थे, ये हिंदुओं का झुंझुना ज्यादा बजाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अंत में थोड़ा और पिटाई देखते हैं अंजना ओम कश्यप दीदी की। इस क्लिप में देखें प्रियंका चतुर्वेदी अंजना को ऑलमोस्ट रुला देती हैं और अंजना दीदी तिलमिलाती रह जाती हैं जैसे कोई मछली बिन पानी। मैं एक बात के लिए भाजपाइयों की तारीफ करता हूं, पूरे दुनिया में अगर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने का किसी को प्रमाण पत्र मिलना हो तो उस पर नंबर एक पे भाजपाई आएंगे। आइए देखते हैं, अंजना ओम कश्यप जी पहले वो बाइट दिखाइए मस्जिदों से इस तरह के लाउड स्पीकर्स को, जबकि कोर्ट का ही ये कहना है कि अजान इज एसेंशियल, लाउड स्पीकर इज नॉट। अच्छा, लाउड स्पीकर्स को हटाने में महाराष्ट्र सरकार अंजना जी झक रही है। अंजना जी एक सवाल है आपसे, इस देश के कितने राज्यों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकल चुके हैं? अगर आप मुझे उसका जवाब दे देंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास नहीं है। चलिए मैं उसको भी। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कम करती हूं। किसी भी राज्य में नहीं, नहीं मैं उसको भी। आई विल नाउ, हां, नाउ आई विल मेक इट सिंपलर फॉर यू।
बीजेपी के कौन से शासित राज्य हैं जहां से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं? खत्म। बीजेपी के कौन से शासित राज्य हैं जहां से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं? कोई भी नहीं है। तो महाराष्ट्र पे फोकस क्यों हो रहा है? वो लाउडस्पीकर पे नहीं हो रहा है, वो राजनीतिकरण पे हो रहा है। इनको लगता है कि जो यूपी का मॉडल अपनाकर अभी इलेक्शन जीते हैं कि ध्रुवीकरण महाराष्ट्र में चलेगा। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता काफी सक्षम है, समझदार है, वो इस पूरे झांसे में आने वाली नहीं है। और बार बार गवर्नेंस की जगह इन मुद्दों पे इसलिए भटकाया जा रहा है क्योंकि आज सरकारों के पास, केंद्र सरकार के पास जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसका जवाब नहीं है, बढ़ते हुए दाम है उसका जवाब नहीं है, पेट्रोल प्राइसेस का जवाब नहीं है, बढ़ती हुई कुकिंग गैस के जो प्राइसेस हैं उसका जवाब नहीं है, इन सबका जवाब नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। प्यारी समझ गई। झूठ बोलने का सारा ठेका आप लोगों ने रखा है। संजय जी, अरे आपकी क्या सीएम है मैं बताऊं, आपको शर्म आएगी। नाक रगड़ लेना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ऐसे आपके चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, बाटला हाउस इनकाउंटर पे झूठ बोल रहे हैं, ये मतलब कैसे रात में नींद आती है आप लोगों को इतना झूठ बोल के? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। संबित जी, किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। बता रहे, गिरजा टिक्कू का नाम लिया अरविंद केजरीवाल ने। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल, बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा, बच्चे पाए डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा, डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। वाह, क्या शेर सुनाया।